सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक मिक्स बताने वाला हूँ अलजेरा फ्लेवर का। तो मैंने सिंगल रिव्यू किया है, तो आपको तो पता है कि अलजेरा का सिंगल फ्लेवर में कितना बताओ यार, मिक्स भी तो बताना पड़ेगा मुझे। तो आज के वीडियो में मैं ये जो चीज स्मोक कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड एज लेमन एप्पल पाई, जो मैंने सिर्फ अलजेरा के फ्लेवर को मिक्स करके बताया, तो इस मिक्स में आपको लगेगा अलजेरा लेमन, विच इज अलजेरा लेमन 40%, 30% इज एप्पल डबल एप्पल, अलजेरा डबल एप्पल, और लगेगा अलजेरा वनीला, वो भी 30% हो जाता है 100%। और हम बता रहा हूं क्या मस्त स्मूथ और मस्त फ्लेवर आ रहा है। बढ़िया स्मोक तो आता है अलजेरा में, बट क्या मस्त फ्लेवर प्रोफाइल आ रहा है। फ्लेवर प्रोफाइल के मैं बताता हूं, लेमन एप्पल पाई बेसिकली एप्पल पाई होता है, जो आपने अगर खाया होगा तो बाहर का डिश है एप्पल पाई। तो एप्पल और मुझे वनीला ये मिला के मुझे एक एप्पल पाई का फील आ रहा है इसमें, बट टू द बैक ऑफ द थ्रोट ज्यादातर मैंने लेमन डाला है, बट क्या होता है एप्पल उसको ओवरपावर कर देता है, राइट। लेमन हो या कोई भी सिट्रसी फ्लेवर, उसको एप्पल बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर होता है, उसको ओवरपावर कर देता है। तो एप्पल पाई आ रहा है एंड आई एम गेटिंग अ जेस्टी लेमन टू द बैक ऑफ माई थ्रोट। मतलब ये कैसे हो गया कि जैसे आपने एप्पल पाई बनाया और ऊपर से लेमन के जो पील है उसको ऐसा ग्रेट करके, लेमन का जो पील है उसको ग्रेट करके आपने डाल दिया है, फिर आप जब खाओगे तो आपको एप्पल पाई का एकदम प्रोमिनेंट टेस्ट आएगा, बट टू द बैक ऑफ द टंग या फिर कह सकते हैं कि आफ्टर टेस्ट में आपको लेमन का जो छिलके का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से आता है। तो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है। मैंने एक बार स्मोक किया है, आज मैं दूसरी बार लगाया हूं। आई थॉट आई शुड शेयर दिस अलजेरा मिक्स विथ यू, और आप ट्राई कीजिए, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, पान वान छोड़ के कुछ अलग टाइप का फ्लेवर है, काइंड ऑफ कैन बी सेड दिस इज अ डेजर्ट कैटेगरी फ्लेवर में आता है, बट इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। गर्ल्स को काफी ज्यादा पसंद आएगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी फ्लेवरफुल एंड प्रोमिनेंट, और बहुत मजा आता है बेसिकली। तो चलिए राम, ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ऑन द अलजेरा मिक्सेस, और भी मैं अलजेरा के जो फ्लेवर्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें मिक्सेस ट्राई करो, बिकॉज नया फ्लेवर है, मिक्सेस बताना जरूरी है, वरना आपको कैसे पता चलेगा यार सिंगल कितना पियोगे, मिक्सिंग में क्या क्या हो सकता है ये नए फ्लेवर का, और ये नए ऑसम टबैको का ऑसम स्मोक एंड ऑसम प्रीमियम क्वालिटी फ्लेवर का आप मजा ले सकते हो, इसलिए तो मैं मिक्सेस शेयर करता ही रहूंगा। तो चलिए फिर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी, हुकअप स्टैंड को भी जाके फॉलो कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।